नमस्कार, स्वागत है आपका आज की इस ऑनलाइन कक्षा में। आज के इस ऑनलाइन क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच एल्टन मेयो। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच यानी कि मानवीय संबंध उपागम एल्टन मेयो ने दिया था। एल्टन मेयो का नाम कुछ लोग और प्रोनाउंस करते हैं, जैसे मायो भी आप बोल सकते हैं, तो उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इनका आज हम देखेंगे कि ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच में इन्होंने क्या बताया है, इनकी थ्योरी देखेंगे। और इससे पहले जो मैंने लेक्चर अपलोड किया था, अगर आप इससे पिछला लेक्चर आपने देखा होगा, तो वो था साइंटिफिक मैनेजमेंट, F.W. टेलर। टेलर के विचार थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में, जो कि क्लासिकल थ्योरी के अंतर्गत आता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम सबसे पहले क्लासिकल थ्योरी पढ़ते हैं, और क्लासिकल थ्योरी में हम शुरुआत करते हैं F.W. टेलर से, और वो चलती है मैक्स वेबर तक। यानी टेलर से वेबर तक हम क्लासिकल थ्योरी को पढ़ते हैं। आपके पाठ्यक्रम में जितना होगा उतना हम ज़रूर कवर करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिकल थ्योरी के अंतर्गत साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को पढ़ा था, और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ह्यूमन रिलेशन अप्रोच पे। और ये आपके कोर्स कोड UGPA 101 के अंतर्गत Block 2 Unit 9। इससे पहले के जितने भी लेक्चर्स हैं, यानी 1 से लेकर 8 यूनिट तक के सभी लेक्चर्स अवेलेबल हैं यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आप वहाँ से जाएंगे, आपको अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, सारे लेक्चर्स आप वहाँ देख सकते हैं, और अपने कमेंट्स आप वहाँ दे सकते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है। अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट एल्टन मेयो इज कॉल्ड द फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। सबसे पहले जो यहाँ पर टर्म है अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट, तो ये अमेरिकी समाजशास्त्री या फिर मनोवैज्ञानिक के नाम से इनको हम जानते हैं, लेकिन ये इनका जन्म जो हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। तो बेसिकली एल्टन मेयो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते थे, और हम इन्हें अमेरिकन समाजशास्त्री के रूप में जानते हैं, और इनको हम फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच के नाम से जानते हैं। यानी ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को जो जिसने दिया है उसमें सबसे पहले नाम आता है एल्टन मेयो का। ऐसा नहीं है कि इसमें इन्हीं का योगदान है, और भी कई नाम हैं, आपको जब बुक्स आप पढ़ेंगे तो आपको नाम मिल जाएंगे। और एक बात मैं और यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूँगी, जितने भी लेक्चर्स मैंने यहाँ पर आपके लिए रिकॉर्ड कराए हैं, उपलब्ध कराए हैं, उन लेक्चर्स से ही आपको नहीं पढ़ना है। आपके पास जो स्टडी मटेरियल है, जो बुक्स हैं, आप उनके साथ में अगर लेक्चर देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं जो हम लेक्चर में शामिल नहीं करते हैं। इसको बहुत ज़्यादा फैक्चुअल बनाने का मेरा प्रयास नहीं है। मेरा प्रयास हमेशा ये रहता है कि आपको पूरा जो व्याख्यान मेरा है वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद करे। तो जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो समझने में आपकी सहायता लेक्चर से होती है, तो आप इसके साथ साथ जो स्टडी मटेरियल आपको मिलता है उसका आप अध्ययन अवश्य करें, ये एक मेरा सुझाव है। ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड इनफॉर्मल थ्योरी, न्यू क्लासिकल थ्योरी एंड सोशियो इकोनॉमिक थ्योरी। इसके कुछ अदर नेम हैं, जैसे कि हम इसको इनफॉर्मल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, न्यू क्लासिकल थ्योरी और सोशियो इकोनॉमिक थ्योरी। अभी हमने जो क्लासिकल थ्योरी में पढ़ा था उसमें हम ये देख रहे थे वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है। अगर हम टेलर को पढ़ेंगे, या फिर आपने फ्योल को पढ़ा हो, गुलिक को पढ़ा हो, आपने इसके अंतर्गत मैक्स वेबर को पढ़ा हो, तो उनके आप विचारों में एक समानता पाएंगे कि हमेशा औपचारिक संगठन की बात की जाती, औपचारिक संबंधों की बात की जाती है। बहुत ही फॉर्मल तरीके से वो वर्किंग का अपना सिस्टम बनाते हैं। लेकिन जो एल्टन मेयो हैं, उनका कहना है कि हम फॉर्मल वर्किंग यानी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को समझने के लिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को पहले समझेंगे, तभी हम प्रोडक्टिविटी में इजाफा कर पाएंगे। सबसे मेन जो इसका उद्देश्य है, जितना भी हम क्लासिकल थ्योरी में पढ़ते हैं या ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में पढ़ते हैं, तो उसमें मेन फोकस रहता था प्रोडक्टिविटी पर, कि प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाना है। जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने पूंजीपति हैं, कैपिटलिस्ट हैं, उनका उद्देश्य रहता था कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉफिट कमा सकें और प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। तो क्या ऐसा हम अप्लाई करें जिससे हमारे बिजनेस में बढ़ोतरी हो सके और प्रोडक्टिविटी मेंटेन हो सके। तो ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच लेस इम्फेसिस ऑन पीपल एंड देयर मोटिवेशंस, अनलाइक क्लासिकल थ्योरिस्ट हु एम्फसाइज्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड प्रिंसिपल्स। जब आपने F.W. टेलर को पढ़ा होगा साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में, तो आपने पाया होगा कि मनुष्य को एक तरीके से मशीन की तरह समझा गया है। जैसे
उनका ध्यान पूरा प्रोडक्शन पे रहता था, मनुष्य के जो जो श्रमिक हैं वहाँ फैक्ट्री में करने वाले, काम करने वाले जो श्रमिक हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, उनका जो व्यवहार है, उनके जो सामाजिक संबंध है, उन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। और सबसे पहले अगर किसी ने ध्यान उस तरफ आकर्षित किया है तो वो है एल्टन मेयो। तो मनुष्य को एक मशीन की भांति समझा जाता था, ना कि उन्हें सामाजिक प्राणी समझा जाता था। जैसे कि आपको याद होगा, अगर आपने F.W. टेलर का वो लेक्चर देखा होगा, कि उन्होंने टाइम स्टडी, स्पीड स्टडी, मोशन स्टडी, मतलब स्टॉप वॉच का भी इस्तेमाल किया था। तो कितने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम हम अपने वर्कर्स से ले सके, उनका फोकस इस पर रहता था, जो क्लासिकल थ्योरी के जितने भी थिंकर्स हैं। तो एल्टन मेयो कहते हैं कि मनुष्य मशीन नहीं है, उससे सामाजिक तौर पर व्यवहार किया जाना चाहिए, उसके व्यवहार को समझा जाना चाहिए, उसकी बात को सुना जाना चाहिए। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या फॉर्मल वर्किंग सिस्टम की अपेक्षा ये इनफॉर्मल वे पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इट बिलीव्स इन एनालाइजिंग द मल्टी डायमेंशनल नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड देयर इंट्रैक्शंस टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ organizations, it also emphasizes on the study of informal organization to understand the working of formal organization. जो अभी हमने डिस्कस किया कि फॉर्मल organizations की वर्किंग को समझने के लिए इनफॉर्मल organization के सिस्टम को हमें समझना पड़ेगा, तभी हम इस पर ध्यान दे पाएंगे। एल्टन मेयो कॉल्ड इट द क्लिनिकल मैथड, और इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे अपने अप्रोच को एल्टन मेयो एक नाम देते हैं, क्लिनिकल मैथड, यानी नैदानिक विधि। कैसे उपचार किया जा सके इस समस्या का, कैसे मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, सेवरल सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द इमर्जेंस ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन रिलेशंस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट देम आर। तो इसमें वो फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स हैं यहाँ पर जिनकी वजह से जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है या ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है उसका इमर्जेंस हुआ है। तो वो टाइम पीरियड कैसा था उसका यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स में देखना होगा। तो फर्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक डिप्रेशन, यानी आर्थिक मंदी का वो दौर था। ये 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों का समय है, दूसरे तीसरे दशक के टाइम पे, जब मशीनीकरण हो गया था, औद्योगिकीकरण हो गया था, मशीनें तेज़ी से लग रही थी, फैक्ट्री लग रही थी जगह जगह पर, और उनमें बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जा रही थी। तो उस समय प्रोडक्शन ऑब्वियसली बढ़ गया था, क्योंकि मशीन से, जब मशीन के मदद से प्रोडक्शन किया जाता था तो बहुत ज़्यादा उत्पादन होने लगा था, और ज़्यादा उत्पादन होने की वजह से आर्थिक मंदी हो गई थी। और ये कहाँ कहाँ हुआ था ऐसा, जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज थे, अमेरिका जैसे देश, जहाँ पे पूंजीवादी देश जिनको कहा जाता था, तो आर्थिक मंदी का वो समय था। नेक्स्ट है कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, यानी पूंजी आधारित उद्योग, जो कैपिटल बेस्ड इंडस्ट्रीज थी उनका उस समय ज़्यादा चलन में, मतलब वो इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा तेज़ी से पनप रही थी, और इस वजह से बड़ी बड़ी मशीनें जो आ रही थी, लग रही थी, उन मशीनों में कभी कभी खराबी भी आ जाती थी, जिससे श्रमिकों का समय बर्बाद होता था। अब मशीन तो आ गई, लेकिन उसको ऑपरेट करने वाले तो वर्कर्स ही हैं, तो जाहिर सी बात है अगर किसी मशीन में कोई खराबी आ गई, उसको ठीक करने में समय लगता था और वर्कर्स का वो टाइम बर्बाद होता था, क्योंकि वर्कर्स को उस समय टारगेट दिया जाता था कि आपको इतनी यूनिट प्रोडक्शन, मतलब इतनी यूनिट का प्रोडक्शन आपको करना है, तो उनका वो टारगेट अचीव नहीं हो पाता था, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, निराशा उनके मन में पनपती थी। और इस वजह से ऐसा नहीं सिर्फ श्रमिकों को ही हानि होती थी, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो पूंजीपति थे, उद्योगपति थे, उनका भी नुकसान होता था, उनका प्रोडक्शन वहाँ पर रुक जाता था। तो ये एक फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से इस थ्योरी का इमर्जेंस हुआ है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, यानी तकनीकी जो प्रगति। अब जाहिर सी बात है उसमें जितने भी वैज्ञानिक रूप से आविष्कार किए जा रहे थे, विज्ञान के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण उल्लेखनीय प्रगति हो रही थी, तकनीक में इजाफा हो रहा था, तो इसका भी प्रभाव पड़ता है वर्कर्स पे, क्योंकि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा कुशलता की मांग की जा रही थी। वो अब स्किल्ड लेबर की डिमांड आ गई थी कि मशीन, हर मशीन को चलाने वाला श्रमिक उतना स्किल्ड होगा या नहीं होगा, सभी श्रमिक तो एक जैसे नहीं हो सकते। अब वो कुशलता की जो मांग हो रही थी, तो सभी श्रमिक उस कैटेगरी में नहीं आ पा रहे, तो इसमें क्या होता था कि जो स्किल्ड वर्कर्स थे उनकी डिमांड बढ़ गई थी, और इसकी अपेक्षाकृत जो अनस्किल्ड वर्कर्स थे उनके मन में एक निराशा का भाव उत्पन्न हो रहा था कि उन्हें उनकी अपेक्षाकृत कम महत्व दिया जा रहा है, और उन्हें प्रतिष्ठा जो स्किल्ड वर्कर्स हैं ज़्यादा मिल रही है। तो स्किल की मांग हो रही थी, रिएक्शन टू टेलरिज्म, एंड लास्ट है क्लास एंटागोनिज्म, रिएक्शन टू टेलरिज्म,
अभी जब हमने बात की कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के अंतर्गत जो F.W. टेलर के विचार हैं, टेलर ने जो मैनेजमेंट को साइंटिफिक बनाने की बात की थी, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हम बढ़ा सके, किसी इंडस्ट्री को कैसे और ज़्यादा लाभ मिल सके, तो उसके लिए जो मैनेजमेंट को अच्छा करने की कोशिश की गई थी टेलर द्वारा, तो उसमें श्रमिकों का बड़ा नुकसान हो रहा था। श्रमिकों को एक मशीन की तरह, मशीनी पुर्जों की तरह समझा जाता था, तो वो मशीन तो नहीं हो सकते, बल्कि उनसे कोई उनकी जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं, जो उन्हें समूह में काम करने में समस्याएं आती, उन पर कोई ध्यान नहीं देता था, उनसे मशीन की भांति व्यवहार किया जाने लगा था, तो इस वजह से श्रमिकों में निराशा उत्पन्न हो गई थी। तो ये उसका रिएक्शन है, जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है, जो टेलरवाद है, उसके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में भी इसका इमर्जेंस हुआ था। एंड लास्ट वन इज क्लास एंटागोनिज्म्स, वर्ग विरोध यानी वर्ग संघर्ष। यहाँ पे वर्ग से मतलब ये है कि एक तरफ तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे और उनमें एकता हो गई थी, जो उद्योगपति थे उनमें आपस में एकता का भाव उत्पन्न होने लगा था, तो ये देख करके जो श्रमिक वर्ग था उन्होंने भी अपना यूनियन बनाना शुरू कर दिया था, ट्रेड यूनियंस नए नए बन करके तैयार होने लगे थे, उनमें भी एकता होने लगी थी और दोनों वर्गों में टकराव की स्थिति उत्पन्न होने लगी थी। श्रमिक वर्ग था वो भी एक हो गया था और जो उद्योगपति थे वो भी एक हो गए थे, दोनों वर्ग आपस में संघर्ष करने लगे थे। तो ये कुछ मेन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ह्यूमन रिलेशन अप्रोच का इमर्जेंस हुआ है। अब एल्टन मेयो को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें आता है हाथोर्न स्टडीज़ या हाथोर्न एक्सपेरिमेंट, ये टर्म आपने ज़रूर सुना होगा। इसी के आधार पर ये जो कंक्लूजन निकाले गए थे कि ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच यानी जो मानव संबंध है उसको प्रमुखता से, उसे ध्यान में रखना चाहिए, मानव संबंधों को, ना कि मनुष्य को एक मशीन की भांति समझा जाना चाहिए। तो इसमें जो प्रयोग किए गए थे, ये प्रयोग 1924 से 32 तक चले थे और हाथोर्न एक प्लांट का नाम था, एक प्लेस का नाम था, वहाँ पे एक प्लांट, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी का एक प्लांट वहाँ पे लगा हुआ था हाथोर्न नामक एक स्थान पर, और ये अमेरिका के शिकागो शहर के पास में स्थित था। तो उस टाइम पीरियड में उस हाथोर्न में एक स्टडीज़ लॉर्ड एल्टन मेयो और उनके साथियों ने मिलकर इसको प्रयोग इसका किया था, और इस स्टडीज़ एक्सपेरिमेंट का जो हमें विस्तृत विवरण मिलता है वो आपने एक किताब का नाम सुना होगा, द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। इसमें विलियम जे डिक्सन, रोथालिस बर्गर, इन दोनों लोगों ने मिलकर ये 1939 में पुस्तक प्रकाशित कराई थी, मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। इसमें इन प्रयोगों का विस्तृत विवरण हमें देखने को मिलता है। तो जो पहला स्टडीज़, पहला एक्सपेरिमेंट है, चाहे हम इसको हाथोर्न स्टडीज़ कह लें यानी कि हाथोर्न प्रयोग कहें या फिर अध्ययन कहें, एक ही बात है, स्टडी की गई थी। तो पहला जो अध्ययन किया गया था उसका नाम है द ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, ये 1924 से लेकर के 27 तक चला था। इसके अंतर्गत उस प्लांट में, उस फैक्ट्री में दो ग्रुप बनाए गए थे, कंट्रोल्ड ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और 6-6 लड़कियों को एक ग्रुप में शामिल किया गया था, और उन पर जाहिर सी बात है, जो शब्द से हमें देखने में ही समझ में आता है, ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट यानी महान प्रकाश व्यवस्था प्रयोग। ये लाइट की जो व्यवस्था है, जैसे जहाँ पे वो लोग काम करते थे श्रमिक वर्ग के लोग, तो वहाँ देखा गया कि अगर लाइट को हम धीरे 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 करके और कम करते जाते हैं तो क्या इसका प्रभाव उनके काम पर पड़ेगा, क्या प्रोडक्शन में कमी आएगी, जितना उत्पादन, जितनी यूनिट का वो प्रोडक्शन एक दिन में करते थे, अगर हम प्रकाश यानी लाइट वहाँ कम कर दें, हल्का सा अंधेरा कर दें, तो क्या इसका फ़र्क वहाँ पड़ता है। तो धीरे 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 करके बहुत कम रोशनी कर दी, और दूसरा एक कंट्रोल्ड ग्रुप था जिसमें उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया, ना तो लाइट को घटाया ना बढ़ाया, ये कई सालों तक उसका प्रयोग चलता रहा, और फिर धीरे धीरे लाइट को बढ़ाया। तो इसके बाद जो निष्कर्ष निकल के आया, इसका जो रिजल्ट सामने आया, तो ये पाया गया कि उत्पादन बढ़ा और घटा, मतलब बढ़ा, तेज़ी से घटा और फिर बढ़ा भी, तो बहुत ज़्यादा इसमें अंतर नहीं आया, लाइट का कोई इतना खास प्रभाव नहीं पड़ा। तो पहला ये प्रयोग है ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट का। दूसरा है रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट, ये 1928 में किया गया था। इसमें जो वर्किंग कंडीशन है इस पर स्टडी की गई थी कि जो वहाँ के वर्कर्स हैं उनके ग्रुप बनाए गए थे, और उनमें जो श्रमिकों के टाइम के जो वर्किंग आवर्स हैं यानी श्रमिकों के काम करने के जो घंटे हैं वो निर्धारित किए गए, इतने घंटे काम करेंगे, उनको टारगेट दिया गया, साथ साथ में उनके बीच में इतने घंटों के बाद 5 मिनट का ब्रेक होगा, इस तरीके से बीच बीच में ब्रेक डिसाइड किया,
और उन्हें खाने पीने के लिए कुछ स्नैक्स भी दिए गए, कॉफ़ी है, सूप है, जूस, ये सारी चीज़ें अवेलेबल कराई गई। फिर देखा गया रिजल्ट, तो भी कोई खास बदलाव नहीं आया, प्रोडक्शन घटने की बजाय और बढ़ा और फिर स्थिर हो गया। तो बहुत कोई खास अंतर इसमें भी नहीं आया, ये वर्किंग कंडीशंस पे किया गया एक्सपेरिमेंट था। नेक्स्ट है ह्यूमन एटीट्यूड्स एंड सेंटीमेंट्स एक्सपेरिमेंट, 1928 से 38 तक चला। इसमें जो व्यवहार है मनुष्य का, उनकी जो भावनाएं हैं, उस पर एक प्रयोग किया गया और इस प्रयोग में मतलब 20,000 से भी अधिक लोग श्रमिकों का साक्षात्कार किया गया। उस साक्षात्कार के लिए प्रश्नावली और अनुसूची, मतलब जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो शेड्यूल का प्रयोग करते हैं जिसमें हम पूछ पूछ कर उसके आंसर्स भरते हैं। तो क्वेश्चनेयर और शेड्यूल बनाया गया, उस आधार पर 20,000 से अधिक श्रमिकों का एक वृहद तौर पे इंटरव्यू लिया गया जिसको मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम के नाम से भी हम जानते हैं। और इसमें उनका उनके व्यवहार का अध्ययन किया गया, उनकी भावनाओं का प्रयोग किया गया, कैसे वो उनके दिल में जितने भी उनके मन में बातें हैं मैनेजमेंट के प्रति, इंडस्ट्री जो उसके फैक्ट्री के मालिक हैं उनके प्रति, या फिर जो उनके सुपरवाइजर्स हैं उनके प्रति उनकी क्या भावनाएं हैं, क्या व्यवहार है, अगर कोई शिकायत है तो वो खुलकर उसमें लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, इंटरव्यू में अपनी बात कह सकते हैं। तो ये जब प्रयोग करके देखा गया तो उसमें श्रमिकों को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हम मैनेजमेंट में या जो मैनेजमेंट में जो पॉलिसीज बनती हैं हमारे लिए, उसमें हम एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, और अपने दिल की सारी बातें उन श्रमिकों ने कह दी। तो एक तरीके से उनके मन की बातें निकल गई, जो उनके मन में कुंठा थी, गुस्सा था, शिकायतें थी, वो सब उन्होंने अपनी शिकायतें कह दी। और ये एक बहुत बड़ा इसमें बदलाव देखा गया, प्रोडक्शन में बहुत तेज़ी से उत्पादन बढ़ा। ये प्रयोग करने के बाद काफ़ी बदलाव देखा गया, जो कि अभी वर्किंग कंडीशंस और जो पहला लाइट वाला एक्सपेरिमेंट किया गया था उसमें ऐसा देखने को नहीं मिला गया। इस आधार पर एल्टन मेयो ने एक निष्कर्ष निकाला कि मनुष्य सामाजिक मनुष्य हैं। हम जैसे हम जब क्लासिकल थ्योरी पढ़ते हैं तो आपको इकोनॉमिक मैन की टर्मिनोलॉजी मिल जाएगी कि आर्थिक मनुष्य के तौर पे उसको समझा जाए, उसको आर्थिक प्रोत्साहन देंगे। जैसे ये कहा जाता था कि जितना अधिक उसका वेतन कर देंगे या फिर आप इंसेंटिव ज़्यादा देंगे तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, वो सीधे सीधे आर्थिक तौर पर प्रोडक्टिविटी को जोड़ते थे। और ये वहाँ पर गलत साबित हुआ, एल्टन मेयो के जो स्टडीज़ जो प्रयोग किए गए थे उसमें ये पाया गया कि मनुष्य के व्यवहार को समझा जाना चाहिए और उनकी भावनाओं को समझा जाना चाहिए, उनकी बातें सुनी जानी चाहिए, जिससे कि प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है। और मेन यहाँ पर फिर मैं कहूँगी कि मेन मसला है सिर्फ प्रोडक्टिविटी का है, मेन फोकस प्रोडक्शन का है कि किस आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर एल्टन मेयो के हिसाब से क्लासिकल थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट था वो फेल होता दिख रहा था, क्योंकि व्यवहार को सामने लाए और मनुष्य को सामाजिक प्राणी की तरह समझा। नेक्स्ट है सोशल ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेरिमेंट, इसको हम बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं, और ये 1931 से 32 तक चला था। इसके अंतर्गत लॉर्ड एल्टन मेयो ने ये देखा कि जो सामूहिक तौर पे होता है, यानी एल्टन मेयो का कहना था कि वर्क इज अ ग्रुप एक्टिविटी, यानी जो कार्य है वो एक सामूहिक गतिविधि है, समूह में रहकर कराया जाना चाहिए। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडिविजुअल फोकस करती है, जैसे एक व्यक्ति को आप कल्पना कीजिए, तो एक व्यक्ति को आपने कोई काम दे दिया है और एक कमरे में उसको बंद कर दिया और शाम तक उसे टारगेट दे दिया, आपको इतनी यूनिट प्रोडक्शन करना है, तो उसका जो उतना अच्छा रिस्पांस नहीं आएगा। अगर आप ग्रुप में दे देते हैं और सबको बराबर बराबर के ग्रुप को मिलाकर के इतना प्रोडक्शन होना चाहिए, तो ग्रुप में वो अच्छे परफॉर्म करते हैं, ऐसा कुछ इस रिजल्ट से निकला है एल्टन मेयो के सोशल ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेरिमेंट जो किया गया। इसमें समान कार्य, समान जो एक तरीके के एक ही प्रकृति के कार्य होते थे उन पर आधारित, एक दूसरे पर जो आश्रित होते थे कार्य, तो उन पर बेस्ड उन्होंने 3 ग्रुप बनाए और ग्रुप वाइज अलग अलग बांट दिया और उनको टारगेट दे दिया। तो इससे ये देखा गया कि प्रोडक्शन भी बढ़ा है, और साथ में एक और बात निकल के आई है कि इस स्टडी जो स्टडी टीम थी उसने ये पाया कि इन्होंने क्या, जो श्रमिक थे आपस में एक मानक बना रखे थे कार्य के, और वो उस मानकों का पालन करने के लिए आपस में एक दूसरे को बाध्य करते थे, क्योंकि पूरे ग्रुप में रह के वो काम करते थे। जितना भी उन्हें जो उनका सुपरवाइजर जो उनका मैनेजर होता था जितना उनको टारगेट देता था उससे वो कम प्रोडक्शन करते थे, और आपस में ऐसे 3-4 नियम बना रखे थे, कुछ जो कि नियम इस प्रकार हैं। सबसे पहले वो ग्रुप में ये बात कह देते थे कोई भी श्रमिक
अधिक कार्य नहीं करेगा, मतलब अपनी क्षमता से अधिक नहीं करेगा। अगर उसको बताया गया है कि 20 यूनिट प्रोडक्शन करना है तो 20 यूनिट से अधिक कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा। अगर जिस कोई करता है तो उसको रेट बस्टर कहा जाएगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि कोई अपनी क्षमता से कम कार्य भी नहीं करेगा समूह में। अगर कोई व्यक्ति उस क्षमता से कम कार्य करता है तो उसको चिजलर कहेंगे, यानी कि कम काम करने वाला और वो आलसी व्यक्ति कहा जाएगा। तीसरा, उन्होंने कहा कि आपस में जो ग्रुप के लोग हैं, जो श्रमिक हैं, हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, एक दूसरे की बात निरीक्षक को नहीं बताएंगे, सुपरवाइजर को नहीं बताएंगे, तो एक दूसरे की चुगली नहीं करेंगे। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको स्क्विलर नाम का एक टर्मिनोलॉजी दी है, स्क्विलर कहा जाएगा, यानी कि चुगलखोर कहा जाएगा। चौथा, उन्होंने कहा है कि कोई भी यहाँ पे ऑफिशियली बिहेव नहीं करेगा, मतलब कार्यालय के तरीके से व्यवहार नहीं करेगा। जैसे अगर कोई निरीक्षक है तो वो निरीक्षक के तरीके से व्यवहार नहीं करेगा, आपस में सब लोग मिलजुल कर सामाजिक तौर पर कार्य करेंगे और एक दूसरे को बराबर समझेंगे, सम्मान देंगे। तो ये चार उन्होंने ग्रुप ने मानक बना रखे थे, जो कि स्टडी टीम ने जब उस पर स्टडी की है तो उसमें ये पाया। तो इसका जो निष्कर्ष निकाला है एल्टन मेयो ने, उसकी हम बात कर लेते हैं। रिजल्ट्स ऑफ हॉथोर्न स्टडीज, वर्कर्स आर बेसिकली सोशल बीइंग एंड दे मस्ट फर्स्ट बी अंडरस्टूड एज पीपल इफ दे आर टू बी अंडरस्टूड एज ऑर्गेनाइजेशन मेंबर। सबसे पहले जो वर्कर्स हैं वो सोशल बीइंग हैं, वो सामाजिक व्यक्ति हैं, और उन्हें सबसे पहले एक मनुष्य के रूप में समझा जाना चाहिए, ना कि एक मशीन के रूप में। शुरुआत से ही एल्टन मेयो का फोकस रहा है कि मनुष्य को सामाजिक मनुष्य की भांति समझा जाए, ना कि आर्थिक मनुष्य। उन्हें आर्थिक प्रोत्साहन से प्रोत्साहित करने की आवश्यकता नहीं है। वर्क इज ए ग्रुप एक्टिविटी, जो अभी हमने बात की थी कि कार्य एक सामूहिक गतिविधि। वर्कर्स में रिएक्ट टू मैनेजमेंट द ऑर्गेनाइजेशन, द वर्क इटसेल्फ एज मेंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सॉरी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेदर देन एज इंडिविजुअल्स। Productivity is strongly affected by social and psychological factors, not simply by condition of work. जैसे इनका जो दूसरा टेस्ट था हॉथोर्न स्टडीज का, रिले असेंबली टेस्ट, इसमें वर्किंग कंडीशंस पे वो बेस्ड था कि वहाँ की जो कार्य की व्यवस्था है, आराम के जो मिनट हैं, विश्राम है, दो दो घंटे के बाद इतने मिनट का ब्रेक, और जो स्नैक्स खाने पीने के लिए दिया जाता था, तो वो सब उतना प्रभावित नहीं करती हैं जितना कि सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक व्यक्ति है, वो समूह में ही रहकर बेटर परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट है, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल रिवॉर्ड्स एंड सैंक्शंस आर सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्कर्स मोटिवेशन एंड देयर लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन। इकोनॉमिक इंसेंटिव्स बाय कंट्रास्ट आर लेस पावरफुल एज मोटिवेटर्स ऑन द जॉब। जो जॉब सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो एल्टन मेयो के हिसाब से नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल रिवॉर्ड ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिटरमिनेंट्स हैं, ज़्यादातर महत्वपूर्ण निर्धारक हैं, ना कि इकोनॉमिक इंसेंटिव। ऐसा नहीं है कि एल्टन मेयो इकोनॉमिक इंसेंटिव को नकारते हैं, रिजेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए उनको, समूह के आधार पर उनका जो इंसेंटिव है वो डिसाइड होना चाहिए, बट उन्हें सोशली भी कहीं ना कहीं रिवार्ड मिलना चाहिए। जैसे कोई एक टीम में काम कर रहा है और अगर किसी व्यक्ति ने उस टीम में अच्छा परफॉर्म किया है, तो एल्टन मेयो का ऐसा मानना है कि उसको जाकर के अगर अप्रिशिएट करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे कि आपने अच्छा काम किया है, तो उसको अंदर से और अच्छा लगेगा मन से, और वो और बेहतर तरीके से अपना काम करेगा। आर्थिक प्रोत्साहन से ज़्यादा सामाजिक रूप से जो प्रोत्साहित किया जाता है उसका प्रभाव पड़ता है। देयर शुड नॉट बी सो मच इम्फेसिस ऑन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड मटेरियल एस्पेक्ट्स दैट सोशल एंड ह्यूमन लाइफ गेट्स अफेक्टेड। बहुत ज़्यादा तकनीकी प्रगति पर या फिर जो मटेरियल एस्पेक्ट्स होते हैं सोशल, उससे सोशल और ह्यूमन लाइफ अफेक्टेड होती है, प्रभावित होती है, तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए। मशीन से हटकर उन्हें मनुष्य समझना चाहिए। तो ये कुछ रिजल्ट्स जो हमने डिस्कस किए, रिजल्ट्स के पॉइंट्स थे। अब हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म की। जब भी कोई थ्योरी आप पढ़ते हैं, कोई अप्रोच पढ़ते हैं, तो उसके बाद जब दूसरी अप्रोच आती है उसके अगेंस्ट में, दूसरे जो थिंकर्स होते हैं तो वो उसको क्रिटिसाइज करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें एल्टन मेयो की कुछ आलोचनाएँ मिली हैं, कुछ थिंकर्स ने आलोचना की है, उसको भी हम देख लेते हैं। यूनाइटेड ऑटो वर्क्स ऑफ अमेरिका हैज़ डिस्क्राइब्ड मायोस्ट एज काउ सोशलिस्ट। काउ सोशलॉजिस्ट, ये टर्म अक्सर आपसे
वन डे एग्जामिनेशन में जो ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा होती है, जैसे यूजीसी नेट है या कोई प्री है यूपीएससी का, उसमें अक्सर पूछ लिया जाता है कि किसने कहा था काउ सोशलिस्ट को, तो अमेरिकन ऑटो वर्क्स ने ये एक संज्ञा दी थी। इसका मतलब होता है कि जो इस प्रकार के एल्टन मेयो समाजशास्त्री थे, जो लोगों को यानी श्रमिकों को पुचकारने में विश्वास करते हैं, उनकी समस्याएं जो असल मायने में समस्याएं होती हैं वो शायद ही इस प्रकार से कभी हल हो पाए। जैसे हमने अभी पिछला जब हम डिस्कस कर रहे थे हॉथोर्न स्टडी, तो उसमें एक पॉइंट था ह्यूमन सेंटिमेंट्स, जो मनुष्य की भावनाएं हैं, व्यवहार है, ह्यूमन एटीट्यूड्स है, उसमें जो प्रयोग किया गया था 20,000 से अधिक श्रमिकों का जो इंटरव्यू लिया गया था, तो उसमें उनके दिल का गुबार तो निकल गया श्रमिकों के, लेकिन क्या वास्तव में उनकी समस्याएं कभी हल हो पाई? सबसे अधिक समस्याएं उनकी व्यक्तिगत थी, उनके घर में किसी की बीमारी से रिलेटेड थी, और जो मैनेजमेंट के अगेंस्ट उन्होंने अपनी बातें शिकायतें लिखी हैं कि जो व्यवहार उनके मालिकों का अच्छा नहीं है श्रमिकों के प्रति, तो क्या वो समस्याएं सिर्फ सुनी गई या उनका कोई हल भी निकाला गया? शायद ही उसे उनकी समस्याओं का हल किया गया हो, सिर्फ उनकी बातों को सुना गया है। तो यहाँ पर काउ सोशलिस्ट का यही मतलब है कि वो सिर्फ कार्मिकों को पुचकारने में विश्वास करते हैं, उन्हें सिंपथाइज करते हैं, ना कि उनकी समस्याओं का वास्तविक हल वो प्रदान करते हैं। हु ओनली बिलीव इन कोएक्सिंग द वर्कर्स और एम्प्लॉइज, दिस सेल्डम सॉल्व्स रियल प्रॉब्लम्स ऑफ द एम्प्लॉइज। माओइस्ट हैव बीन अगेंस्ट लेबर यूनियंस एंड इन फेवर ऑफ मैनेजर्स अंडर द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, द रोल ऑफ एम्प्लॉइज यूनियन हैज़ बीन नेग्लेक्टेड। ऐसा भी कहा जाता है कि जो माओइस्ट यानी जो माओवादी विचारधारा के लोग हैं, वो सिर्फ मैनेजर के फेवर में बात करते हैं कैसे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, और वो लेबर यूनियन यानी जो श्रमिक यूनियन है उनके खिलाफ हैं, और उनको ध्यान नहीं दिया गया है, उनकी उपेक्षा की गई है। नेक्स्ट वन इज क्रिटिक्स बिलीव दैट द फाइंडिंग्स ऑफ द हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट आर नॉट सफिशियंट फॉर जनरलाइजेशन बिकॉज द गर्ल्स सिलेक्टेड फॉर द ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट वर विलिंगली कोऑपरेटिंग इन द एक्सपेरिमेंट, सो हाउ कैन अनबायस्ड फाइंडिंग्स बी ऑब्टेंड। क्रिटिक्स ये भी मानते हैं कि जो सबसे पहला प्रयोग किया गया था, महान प्रकाश व्यवस्था प्रयोग, जिसमें लाइट कम करके और बढ़ा करके देखा गया था, तो उसमें जो 6-6 लड़कियों के ग्रुप बनाए गए थे, उन लड़कियों को पता था कि उन पर स्टडीज़ की जा रही है, तो वो अनबायस्ड कैसे उसके रिजल्ट्स हो सकते हैं? जब हमें पता है कि हमारे ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो ऑब्वियसली हम जानबूझ के और खुशी खुशी उस प्रयोग में अपनी भागीदारी देंगे, अपने व्यवहार को बदल कर दिखाएंगे। तो ये अनबायस्ड नहीं है स्टडी, बायस्ड है, ऐसा क्रिटिक्स मानते हैं। नेक्स्ट है पीटर एफ ट्रकर को हम मैनेजमेंट के फादर के रूप में जानते हैं मैनेजमेंट थ्योरी में। तो पीटर एफ ट्रकर बहुत बड़ा नाम है मैनेजमेंट में। वो कहते हैं द इकोनॉमिक डायमेंशन हैज़ बीन लेफ्ट आउट इन द ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच एंड द हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट, ऑल द अटेंशन हैज़ बीन पेड टू पर्सनल रिलेशंस एंड नॉट टू द नेचर ऑफ वर्क। पीटर ट्रिकर का कहना है कि जो इकोनॉमिक डायमेंशंस होते हैं, जो आर्थिक आयाम है, उनको बिल्कुल छोड़ दिया गया है। ऐसा नहीं है कि हम उनकी बातें सुन करके, उनके व्यवहार का अध्ययन करके और उनसे बातचीत करके, शिकायतें सुन करके उनकी समस्याएं ख़त्म कर लेंगे। अगर आर्थिक प्रोत्साहन नहीं देंगे तो भी ये गलत साबित होगा, क्योंकि आर्थिक आवश्यकताएँ उनकी कैसे पूरी होंगी। तो इसको हम रिजेक्ट नहीं कर सकते इकोनॉमिक डायमेंशंस को, ऐसा पीटर ट्रिकर का कहना है। इन द ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच ओनली कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन हैव बीन कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट वाइल कन्फ्लिक्ट्स हैव बीन कंसिडर्ड बैड एंड हैव बीन लेफ्ट आउट। क्रिटिक्स से दैट कन्फ्लिक्ट्स गिव न्यू लाइफ टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड कन्फ्लिक्ट ओपन द वे फॉर कॉम्पिटिशन एंड प्रोग्रेस। इसमें क्या किया गया है, जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन पे फोकस किया गया है पूरा, और कॉन्फ्लिक्ट्स संघर्ष यानी कॉन्फ्लिक्ट जो लोगों के बीच में संघर्ष होते हैं उसको बुरा बताया गया है और उसको छोड़ दिया गया है। तो क्रिटिक्स का ऐसा कहना है कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको नई दिशा देते हैं और कॉम्पिटिशन को बढ़ावा देते हैं। जाहिर सी बात है, जब संघर्ष होंगे तो कॉम्पिटिशन बढ़ेगा और उस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोग्रेस मिलेगी। तो ये कुछ पॉइंट है, लास्ट हम देख लेते हैं। लुकिंग एट द ट्रांजिएंट नेचर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, सम स्कॉलर्स वार्न दैट द अमाउंट ऑफ लेबर एंड मनी बीइंग स्पेंट ऑन बिल्डिंग ह्यूमन रिलेशंस कैन प्रूव टू बी फ्यूटाइल एट एनी मोमेंट बिकॉज नो वन कैन गारंटी दैट ह्यूमन रिलेशंस कैन रिमेन परमानेंट।
कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि जितना इस स्टडी पर खर्चा किया गया, जितना धन और जितना समय, सब बेकार में खर्चा किया गया है। क्योंकि जो बात एल्टन मेयो और उनकी टीम जिसने स्टडी की थी, जो ये मेयोइस्ट हैं, जो मेयोवादी हैं, जो बात करते हैं इसकी, ये कहीं ना कहीं बकवास मान सकते हैं। क्योंकि जो ह्यूमन रिलेशंस हैं वो परमानेंट नहीं रह सकते हैं, क्योंकि मनुष्य का व्यवहार बदलता रहता है समय समय पर, और सभी मनुष्यों का व्यवहार एक जैसा नहीं होता है। तो ये ह्यूमन रिलेशंस कभी भी परमानेंट नहीं हो सकते हैं। तो इस स्टडी का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ धन की बर्बादी है जितना भी इस पर खर्चा किया गया। ये कुछ क्रिटिक्स के विचार थे जो हमने डिस्कस किए। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आप कुछ कोई प्रतिक्रिया है, सुझाव है, तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके लिख सकते हैं। अगले क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक के लिए लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।